सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 स्टार्ट होने जा रहा है 17 अक्टूबर 2021 से, जिसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर 2021 को खेला जाएगा। ओमान और यूएई में खेला जाएगा इस बार का यह टूर्नामेंट, जहां सभी टीम अपना अपना टीम स्क्वाड अनाउंस कर रही हैं। तो यहाँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB ने भी अपना टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश का पूरा कन्फर्म और फाइनल टीम स्क्वाड घोषित कर दिया है, अनाउंस कर दिया है आगामी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि तमीम इकबाल, इनके जबरदस्त एक्सपीरियंस से खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज, इन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि टीम में कई सारे शानदार खिलाड़ी को शामिल किया गया है, खासतौर पर कई सारे युवा खिलाड़ी को शामिल किया गया है। जबकि एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बारे में हम बात करें तो इसमें महमदुल्ला का नाम है, जबकि मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान, जबकि साकिबुल हसन जैसे कई शानदार एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में मौजूद है। जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के 15 खिलाड़ियों का मेन टीम स्क्वाड अनाउंस किया है आईसीसी T20 वर्ल्ड 2021 के लिए, जबकि दो बैकअप यानी कि दो रिजर्व खिलाड़ी को भी चुना है, चयन किया है T20 विश्व कप 2021 के लिए। तो कुछ इस तरह से बांग्लादेश का पूरा कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड। नंबर एक, बांग्लादेश के जबरदस्त बल्लेबाज और कप्तान महमदुल्ला रियाद। नंबर दो, सौम्या सरकार, बेहतरीन ऑलराउंडर टॉप ऑर्डर बैट्समैन सौम्या सरकार। नंबर तीन, नसूम अहमद। नंबर चार, मोहम्मद सैफुद्दीन, बॉलिंग ऑलराउंडर। नंबर पाँच, तस्कीन अहमद, गेंदबाज। जबकि नंबर छः, साकिबुल हसन, बेहतरीन ऑलराउंडर। नंबर सात, नईम शेख। नंबर आठ, मुशफिकुर रहीम, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर नौ, मुस्तफिजुर रहमान, बेहतरीन तेज गेंदबाज। जबकि नंबर दस, शरीफुल इस्लाम। वहीं नंबर 11 पल्लितन दास, विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 12 नूरुल हसन। नंबर 13 समीन हुसैन। नंबर 14 आफीफ हुसैन। नंबर 15 मेहदी हसन। तो गाइस, ये बांग्लादेश के 15 खिलाड़ियों का मेन टीम स्क्वाड। अब के लिए बात करते हैं बैकअप यानी कि रिजर्व खिलाड़ी के बारे में। तो दो खिलाड़ी को चुना गया है। पहले खिलाड़ी हैं रोबेल हुसैन बैकअप के तौर पर, दूसरे खिलाड़ी हैं अमीनुल इस्लाम, जो कि ये भी बैकअप के तौर पर टीम में चुने गए। अगर इनका कोई भी खिलाड़ी COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है या फिर इंजर्ड हो जाता है, तभी इन बैकअप खिलाड़ियों को मेन टीम स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, वरना फिर ये बाहर ही बैठे रह जाएंगे पूरे टूर्नामेंट के दौरान। जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन 16 टीमों के बीच टोटल 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसका पूरा कंफर्म शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। जबकि T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए कई सारे टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जो कि हमने सबसे पहले अपलोड कर दिए। तो अभी जाइए क्रिकेट सुपर फैंस इसी चैनल पर, हमारा प्लेलिस्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप, उसमें सभी टीमों का स्क्वाड आपको मिल जाएगा, साथ ही इंडिया का स्क्वाड और इंडिया का शेड्यूल और पूरे T20 वर्ल्ड कप 2021 का शेड्यूल। एंड स्क्रीन पर दो वीडियो आ रही होंगी, इसे भी क्लिक कर आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए।